तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने के लिए हमने चार चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी लहर की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात के कारण तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं, जैसे बरसात के कारण मच्छरों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, या जलजनित बीमारियां, इन सबके कारण ये तो हमारे सामने संकट थी ही, लेकिन कोरोना महामारी की आशंका उन्हीं समय उसी समय व्यक्त की जा रही है। और इसलिए चाहे वह विषाणुजनित बीमारी हो, जलजनित बीमारी हो, या फिर कोई भी कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब के लिए आवश्यक है जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था स्वच्छता का, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है, और समाधान का मार्ग निकालने की दिशा में जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अपने उन सभी जरूरतमंदों को जिनके पास आजादी के बाद भी जिन्हें एक एक शौचालय उपलब्ध नहीं हो पाया था, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज उन सभी परिवारों के पास न केवल नारी गरिमा की सुरक्षा करने का एक माध्यम मिला, बल्कि उन परिवारों को तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिली। और इसीलिए हम लोगों ने चार चरणों में थर्ड फेज थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना यह पहली बार हुआ है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से इस फील्ड को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं, तमाम प्रकार की बीमारियां आती थी, कोई दवा नहीं आ पाती थी, लक्षणों के आधार पर ही उपचार होता था। भारत जैसे देश में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, अभिनंदन करते हैं अपने देश के वैज्ञानिकों का जिन्होंने दो दो वैक्सीन भारत को दी, और आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुरक्षा का एक बेहतर कवच दे रहा है। और बेहतर कवच के लिए हम लोगों ने तय किया कि 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को हम लोग अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे, वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।